से ना रुके हम, बरसी से चले हम, बादल सा घर छे हम, सावन सा बरसे हम, सूरत सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQFIT क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ईमेल मैसेजिंग से रिगार्डिंग है कि व्हाट इज़ द ईमेल। जैसे आज जो टाइमिंग है वो इंटरनेट का टाइमिंग है, तो इंटरनेट में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें यूज होती हैं दैट इज़ अबाउट द ईमेल सर्विसेज। ईमेल क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल्स होती हैं जिसके थ्रू आप किसी भी बंदे को मेल सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो आपके पास जो इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें बेसिकली होता क्या, जैसे क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे सेंडिंग, रिसीविंग, फॉर्मेट ईमेल मैसेज, इंसर्ट, हाइपरलिंक एंड सॉर्ट एंड फिल्टर मैसेजेस। यू हैव आल्सो लर्न्ड टू यूज़ कैलेंडर सॉफ्टवेयर टू मैनेज इवेंट्स एंड टास्क। यानी आज जो हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो आउटलुक एक्सप्रेस से रिगार्डिंग है। इन द आउटलुक एक्सप्रेस में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, अपनी ईमेल सर्विसेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ईमेल सर्विसेज के अलावा वी कैन यूजिंग द कैलेंडर सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, टास्क को कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज वर्क वीकडेज, मैनेज टास्क रिक्वेस्ट एक्सेट्रा, ये सारे काम हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा टॉपिक आज के दिनों ईमेल से रिगार्डिंग है कि हाउ टू वी सेंड और रिसीव्ड ए मेल सर्विस या हाउ टू ऑर्गेनाइज द मेल सर्विसेज। नाउ फर्स्ट वन, यू हैव लर्न्ड ए शेड्यूल। जैसे जो टॉपिक है, वी हैव लर्न टू शेड्यूल अपॉइंटमेंट अर्लियर यूजिंग कैलेंडर सॉफ्टवेयर। आज जो हम एक और पॉइंट यूज करेंगे इसमें रिगार्डिंग द कैलेंडर सॉफ्टवेयर। नाउ इमेजिनेशन ए सिचुएशन वेयर यू आर हेडिंग ए टीम फ्रॉम वन टू अपॉइंटेड टीम मेंबर टू पार्टिसिपेट इन ऑफिशियल मीटिंग इन यूर एब्सेंस। मतलब आपकी एब्सेंस के दौरान अगर आपकी टीम एक बेसिकली एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है, देन आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़ करना चाहती हैं, यू कैन क्रिएट द इवेंट एंड टास्क इन योर कैलेंडर। तो आप अपना कोई भी एक इवेंट जनरेट कर सकते हैं, अपना एक टास्क जनरेट कर सकते हैं कि आज की मीटिंग जो है वो कितने बजे होगी, क्या हमारा एजेंडा है, वो सब चीज़ें बेसिकली डिक्लेयर करना। टू स्टार्ट लर्निंग अबाउट सेंड कैलेंडर इन्फॉर्मेशन इन द ईमेल मैसेज, फर्स्ट ओपन योर कैलेंडर सॉफ्टवेयर। यानी पहले आप क्या ओपन करोगे, कैलेंडर सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे। नाउ कैसे यूज करते हैं, जैसे आपको पहले जब भी आप इंटरनेट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, आउटलुक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो फर्स्ट वन हाउ टू वी स्टार्ट द आउटलुक। तो आउटलुक कहाँ से जाके स्टार्ट करोगे, फर्स्ट वन गो टू द स्टार्ट। स्टार्ट में जाके यहाँ से एक सॉफ्टवेयर आएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक 2007। नाउ जब भी हम स्टार्ट करते हैं देन इस तरह की एक विंडो ओपन होती है हमारे पास, तो इसमें कहाँ पे क्लिक करोगे, फर्स्ट वन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। नाउ यू हैव रिसीव्ड ए मैसेज, यू कैन कॉन्फ़िगर आउटलुक टू कनेक्ट टू इंटरनेट ईमेल। यानी आप जब आउटलुक को कनेक्ट करते हैं तो आउटलुक के अगर साथ आपको ईमेल सर्विसेज भी यूज़ करनी है, तो ईमेल सर्विसेज के लिए आपको यहाँ पे क्लिक ऑन द यस, यानी एक मेल सर्वर से कनेक्ट करना पड़ता है। एक से ध्यान रखनी है स्टूडेंट कि अगर हमें आउटलुक सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो हमारा एक अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट की साइट के ऊपर जा करके। आज के दिन माइक्रोसॉफ्ट दो अलग अलग साइटों पे काम करता है, एक outlook.com और दूसरा live.com। तो इनमें जाकर के सबसे पहले आप अपने ईमेल आईडी बनाएंगे, उस ईमेल आईडी को बनाने के बाद उस ईमेल आईडी को यहाँ पे कन्फिगर करना पड़ता है। तो वो कैसे कन्फिगर होगा, तो क्लिक ऑन द यस, नाउ यू गेट द नेक्स्ट वन, देन हेयर यू असाइन द नेम। आप क्या असाइन करोगे, यहाँ पे अपना नेम असाइन करोगे। नेम का मतलब जिस भी नाम से आपने आईडी बनाई हुई है वो नाम आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मान लो मेरा आईडी है तरुण कुमार के नाम से, तो आप आईडी डाल दोगे। देन असाइन द ईमेल एड्रेसेस। ईमेल एड्रेसेस क्या होते हैं कि जो भी आपने live.com पे ईमेल बनाया हुआ है वो ईमेल अकाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मेरा अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है tarun.activecare@outlook.com। ऐसे ही सेम आप अपना अकाउंट यहां पे आउटलुक में जाकर के बना लेना, एंड देन असाइन द पासवर्ड। जो भी आपने ईमेल आईडी पे पासवर्ड डाला हुआ है वो पासवर्ड आप यहां पे बना सकते हैं। जैसे आप ये यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट फर्स्ट वन चेक करेगा इंटरनेट कनेक्शन को, कॉन्फ़िगर करेगा। कॉन्फ़िगर करने के बाद अगर आपका ईमेल आईडी करेक्ट है वहां से, तो इट मींस
वी कनेक्ट द ईमेल सर्वर। अगर ईमेल सर्वर की प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से कनेक्ट नहीं होंगे। जैसे एक मैसेज आ रहा, देखो एड न्यू ईमेल अकाउंट नॉट रिस्पॉन्डिंग, अभी ये करिए देखो, तीनों ग्रीन सिंबल आ गई। एस्ट्रोलॉजी नेटवर्क कनेक्शन भी सर्च हो गया, सर्च फॉर तरुण डॉट एक्टिव केयर भी कनेक्ट हो गया एंड लॉग टू द सर्वर। योर ईमेल अकाउंट इज सक्सेसफुली कन्फिगर्ड। कन्फिगर होने के बाद किस पे क्लिक कर देंगे, फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो फर्स्ट वन, जब भी आप आउटलुक यूज करते हैं तो अगर आपको ईमेल सर्विसेज यूज करनी है तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट कन्फिगर करना होगा आउटलुक के साथ में। अगर आप आउटलुक के साथ में कन्फिगर नहीं करते हैं तो आप ईमेल सर्विसेज यूज नहीं कर सकते। देन वी कैन यूज ओनली द कैलेंडर एंड टास्क। कैलेंडर यूज कर सकते हैं, दूसरा क्या यूज कर सकते हैं इसके अंदर, टास्क का यूज कर सकते हैं। एक मिनट वेट करिए, कन्फिगर हो रहा है। देखिए प्रिपेयरिंग आउटलुक फॉर द फर्स्ट यूज, रिट्रीविंग मेल बॉक्स सेटिंग्स, मतलब जो मेल बॉक्स की जो सेटिंग है वो आपके पास यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो फर्स्ट वन क्या बनाओगे आप अपना, एक यहाँ पे जाकर के सबसे पहले आउटलुक में अपना कन्फिगर करना होगा। नाउ स्टार्ट द आउटलुक। जब आउटलुक स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे तो एक इस तरह की स्क्रीन हमारे पास आएगी। तो यहाँ पे जितनी भी मेल्स आती हैं, दैट इज द फर्स्ट वन स्क्रीन, तो यहाँ पे इनबॉक्स से जितनी भी मेल आएंगी वो इनबॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हो। सेंट है, ड्राफ्ट है, आर्चीव है एंड दैट इज द ईमेल बॉक्सेस हो गई। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, कैलेंडर। तो ये हमारे पास कैसे हो गया स्टूडेंट्स, कैलेंडर आ गया। कैलेंडर का जो मेन टास्क है वो क्या है बेसिकली, कि आप अपने कैलेंडर में कहीं भी टाइमिंग के अकॉर्डिंगली, जैसे मान लो अभी जो टाइमिंग है वो नियर अबाउट 12 o'clock है, तो अगर आप 12 o'clock पे कोई अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं देन यहाँ पे जाके डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाके क्या करोगे, डबल क्लिक। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं या क्लिक ऑन द न्यू बटन, न्यू में जा करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए। तो जो भी आपकी अपॉइंटमेंट आप डालना चाहते हैं एक इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो हमारा अपॉइंटमेंट का टॉपिक क्या है, जैसे मान लो हमारी कहीं मीटिंग है तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, मीटिंग डाल दिया। देन लोकेशन कहाँ पे हमारी मीटिंग है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, रेवाड़ी तो रेवाड़ी डाल दो, कोसली है तो कोसली डाल दीजिए। देन व्हाट इज़ द स्टार्टिंग टाइम, व्हाट इज़ द एंडिंग टाइम, तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम में आप स्टार्टिंग टाइमिंग डाल दीजिए कि किस टाइम पे आपकी मीटिंग स्टार्ट हो रही है और किस टाइम तक आपकी मीटिंग खत्म होगी। अगर ओल्ड एज इवेंट डालना है तो ओल्ड एज इवेंट डाल दीजिए यहाँ पे, कि पूरे दिन चलेगा तो टाइमिंग ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई और ओल्ड एज हटा देते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी टाइमिंग यूज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। देन वी कैन यूजिंग द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, अगर आपको मीटिंग से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन डालनी है तो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं एंड देन गो टू द सेव एंड क्लोज। इस तरीके से आपने अपनी मीटिंग ऐड कर दी। जैसे आपने मीटिंग ऐड की तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक रिमाइंडर आपके पास आ गया कि जो स्टार्टेड फ्राइडे March 5, 2021 कितने बजे मीटिंग है, 12 बजे, लोकेशन क्या हो गई, कोसली में है, मीटिंग कब ड्यू टाइम है, 15 मिनट का ड्यू टाइम है। तो स्टूडेंट्स ये जो चीज़ें होती हैं लाइक एक कैलेंडर का मीनिंग, जैसे आपने पहले भी अपने मोबाइल में भी सेट करते हो कि कैलेंडर क्या होते हैं, बेसिकली आपके टाइमिंग शेड्यूल को मैनेज करते हैं कि आपका टाइमिंग किस टाइम पे स्टार्ट होगा, क्या क्या मीटिंग है, क्या क्या शेड्यूल्स हैं, वो सब चीज़ आप इसके अंदर फील कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का पॉइंट हो गया कि हम इसमें क्या यूज़ करना सीखा हमने, कि हम कैलेंडर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ना अब कैलेंडर में जैसे अगर आप थ्योरेटिकल सेशन देखोगे यहाँ से, तो ये कैलेंडर के बारे में हो गया। राइट क्लिक ऑन द कैलेंडर, एक पॉपअप अपीयर होगा जिसमें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे देखिए आप आउटलुक पे दोबारा जाइए, राइट क्लिक करिए कैलेंडर के ऊपर और एक ऑप्शन कौन सा आएगा, जैसे ओपन इन न्यू विंडो पे ऑप्शन है कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। तो एक नई विंडो में ओपन करना तो नई विंडो में ओपन कर सकते हैं, दैट इज़ द कैलेंडर ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से आपके पास एक कैलेंडर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमें यूज़ करना सीखा कि हाउ टू वी कॉन्फ़िगर द ईमेल अकाउंट, कि ईमेल अकाउंट को कैसे कॉन्फ़िगर करना है और हाउ टू यूजिंग द कैलेंडर सेक्शंस।